नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा प्यार। शराबबंदी को लेकर सरकार जितनी शक्ति दिखाने का दावा कर ले, पर इसका खौफ कारोबारियों में नहीं दिख रहा है। खासकर बड़ा सप्लायर और डीलर तक पुलिस पहुंच ही नहीं पा रहा है। वहीं गाड़ी चालक और छोटे कारोबारियों को पकड़कर अपना कर्तव्य का इतिश्री कर लेने के कारण आज बड़े बड़े कारोबारियों का हौसला टूट नहीं रहा है। अब ताजा मामला आज रविवार की सुबह 4 बजे की है, जहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी DMCH के बॉयज हॉस्टल के मेस से 99 कार्टून शराब बरामद हुआ है। साथ ही एक पिकअप एवं उसके चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इधर इस मामले की पुष्टि करते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि मेस के अंदर एक पिकअप से शराब के कार्टून उतार कर रखते हुए 99 कार्टून शराब बरामद किया गया है। वहीं मौके पर पिकअप को जब्त करते हुए पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिकअप चालक की पहचान जिले के भालपट्टी ओपी क्षेत्र के निवासी मोहम्मद अकबर के पुत्र मोहम्मद फैजल के रूप में हुई है। इधर बताते चले कि DMCH जैसे संस्था के हॉस्टल में मेस से इतना बड़ा पैमाने पर शराब मिलना निश्चित रूप से वहां के किसी बड़े संरक्षण की आशंका उत्पन्न होती है। किसने कहां से मंगवाया था और किसके संरक्षण में ये कारोबार वहां चल रहा था, वहीं अब देखना होगा कि यह संरक्षण और संस्था के रसूख वाले पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। सिर्फ चालक को पकड़कर पुलिस अपना कर्तव्य का इतिश्री तो कर नहीं लेगी। हम रहते हैं, हमारे पति रहते हैं। नहीं, उनका फोन नंबर नहीं रखते। मोबाइल होगा आपका? मोबाइल हम सब तो बाहर से 2 महीना हो गए थे। इधर कौन रहता हो? इधर हम लोग का अभी 19-20 मिनट है नॉर्थ हॉस्टल में। के बॉयज हॉस्टल के पास में एक कैंटीन में शराब रखे होने की सूचना मिली थी। इस पर छापामारी की गई तो यहां से 99 कार्टून शराब बरामद हुई है। पिकअप में एक ड्राइवर शराब लेके आया था, वो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। एक व्यक्ति जिसने शराब यहां मंगाई थी, पहुंचवाई थी, वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा मेस संचालन करने वाले 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहां से लाए थे और इसका उपयोग कहां होना था। अभी तक जो सूचना हम लोगों को मिली है उससे यही लगता है प्रथम दृष्टया कि ये शराब का इस्तेमाल DMCH कैंपस में ही लोगों के द्वारा किया जाता था, यहीं पर इनकी सप्लाई की जा रही थी। इसमें थाना के जो स्टाफ हैं उनकी भी हम लोग भूमिका की जांच कर रहे हैं कि उनके स्तर से लापरवाही हुई है या फिर कोई मिलीभगत का भी कोई अगर प्रमाण मिलेगा उसके आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना लीटर शराब टोटल की जाएगी? 99 कार्टून है, अभी गिनती की जा रही है। दोषियों पर क्या? इसमें केस दर्ज करके इनको जेल तो भेजा ही जाएगा। जो शराब के काम में लगे हुए मेस संचालनकर्ता और जो एक यहाँ माफिया जिसने शराब मंगा के दी है, इनकी संपत्ति का पता लगाया जा रहा है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। अगर पहले का भी केस होगा उसमें जमानत भी रद्द कराई जाएगी और शराब की व्यवसाय से जो भी संपत्ति अर्जित की है इसकी जब्ती का प्रस्ताव तैयार करके आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जाएगा। सर, शिक्षण संस्थान ये दर्शाता है कि लाख जागरूकता प्रोग्राम के बाद भी, कड़ी कार्रवाई और चेतावनी के बाद भी, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और समझदार हैं, उसके बाद भी वो बात को नहीं समझ रहे हैं और उसके बाद भी शराब के इस कंजम्पशन में वो लोग लगे हुए हैं। जो माफिया है वो तो अपने लालच के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वो अपनी समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं ऐसी जगहों पर शराब पकड़ाने के मामले में। सर, छात्रों का इसकी जा रही है, किन लोगों के मध्य इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कौन लोग इसके वो उपयोग करता थे, ये सारी जानकारियाँ सामने आएंगी।